हो गए और आज खोड़ियार जयंती है इसलिए सब यहाँ पे आए हुए थे और अभी कीर्तन चल रहा था तो वहाँ का कुछ आपको व्यू बताया। और मेरा जो मेन गोल मेन फोकस है यहाँ एडवेंचर का और यहाँ का बहुत ही शानदार व्यू बताने का, तो अभी चलते हैं उस तरफ आगे। जो कि मेरा छोटा भाई थोड़ा सा थक गया है लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही आगे है अश्वस्थामा टेकरी। रियल हीरो से ज़्यादा मुझे पसंद है रियल हीरो, इसलिए पहले से ही मैं बियर ग्रिल्स का बहुत ही बड़ा फैन हूँ और उसके पूरे एपिसोड में देखता हूँ कि अगर आप जंगल में अकेले कहीं खो गए हो तो आपको उस सिचुएशन का कैसे सामना करना है, नेचर से हमें क्या क्या मिलता है और अपनी लाइफ आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो उसके बारे में बहुत ही अच्छा नॉलेज मिलता है। और मुझे लगता है कि आप अगर फॉरेस्ट में घूम गए हो और कई बार अभी यहाँ पे जीपीएस अवेलेबल है और रास्ता भी मालूम है लेकिन कई सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे हर कोई जगह पे जीपीएस अवेलेबल नहीं होता तो आपको पता ही नहीं होता कि आप फॉरेस्ट में आप जंगल में कहाँ पर हो। तब उस टाइम पर आपको अपना दिमाग ही लगाना पड़ता है और आपको मालूम करना पड़ता है कि आप कहाँ पे हो और कैसे आप निकल सकते हो। और पीछे देख रहा होगा आपको पूरा जूनागढ़ सिटी और वहाँ का फॉरेस्ट और बहुत ही काफ़ी शानदार लोकेशन है यहाँ पे। अमन कैसा लग रहा है तुझे? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की लोकेशन कैसी है? बहुत ही अच्छी, एडवेंचर से भरपूर। तो ठीक है, अब चलते हैं यहाँ से आगे। काफ़ी शानदार यहाँ का नज़ारा है और मैं आपको बता रहा था कि अगर आप फॉरेस्ट में अकेले घूम गए हो तो आपको अगर आपके पास जीपीएस अवेलेबल नहीं है तो पहले मैं क्या करता था, जब मैं पहले ट्रेकिंग करता था तब पहले से ही जो एल्टीट्यूड लॉन्गिट्यूड होती है वो मैं नोट कर लेता था कि कहाँ पर एग्जैक्ट जाना होता है और जो ऑफलाइन मैप है उसका भी सहारा लेता था। तो फॉरेस्ट में कई बार ऐसा होता है कि आपको मालूम होता है कि यही रास्ता है सही, यहीं से आपको जाना है लेकिन फिर भी उसी जगह पे आप घूमते रहते हो और आपको लगता है कि यही डायरेक्शन है लेकिन वो डायरेक्शन हर टाइम सही नहीं होती। तो काफ़ी मेरे साथ ऐसी सिचुएशन आई है लेकिन अगर टीम वर्क हो, टीम आपके साथ हो, फ्रेंड्स आपके साथ हो तो काफ़ी आसान हो जाता है ट्रेकिंग, एडवेंचर और लाइफ में कोई भी सिचुएशन हो बहुत ही अच्छी तरह से उसका सॉल्यूशन हो जाता है। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी चट्टान हो तो आप सही तरीके से कैसे चढ़ सकते हो। आप कहीं भी क्लाइम कर रहे हो, कोई भी अगर वो चिमनी क्लाइम है या ऐसी कोई चट्टान है तो कम से कम आपके एक हाथ और दो पैर
जमा कर आपको रखने चाहिए, क्योंकि फिसलन ज़्यादा होती है इसलिए। और आप कोई भी चट्टान हो, कोई भी पत्थर हो, तो उस पर पूरा आप ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि पत्थर कैसा है वो आपको मालूम नहीं होता और कभी भी वो पत्थर वो चट्टान गिर सकती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन हर बार मेरा लक काम, हर बार मेरा लक साथ दिया है, इसलिए कुछ नहीं हुआ। लेकिन हर बार लक आपका काम नहीं करता और आपको पता है कि उस सिचुएशन का रिजल्ट कैसे आता है। तो बातें तो हो गई बियर गिल्स और एडवेंचर के बारे में, तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलते हैं अभी यहाँ से आगे। यही है जन्नत, आप देख सकते हो पूरा फॉरेस्ट एरिया, बड़ी बड़ी चट्टानें, और ये नज़ारा जूनागढ़ सिटी का। ये सामने आप देख रहे होंगे, वहाँ पे दामोदर कुंड है और वहाँ पे एक टेंपल है, और ये है यहाँ का रास्ता भवनाथ का। यहाँ से होते हुए आपको ये दिखाई दे रहा होगा पूरा सिटी का व्यू यहाँ पे, और ये है पूरा ऊपरकोट और पीछे पूरा सिटी। आप कोई भी फील्ड में हो, अगर आप एंजॉय करें वो सफ़र का, वो मुकाम हासिल करने के लिए, लेकिन जो आपका स्ट्रगलिंग डेज होता है, आपका स्ट्रगलिंग टाइम होता है, वो ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन अगर आप एंजॉय करते हैं वो टाइम को, वो सिचुएशन को, वो ट्रैवल जर्नी को, तो जो आपका मुकाम है, अभी हम चल रहे थे तो भाई थोड़ा सा थक गया था, थोड़ा सा मैं भी थक गया था कि पीछे चले जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे पहुँचे इस लोकेशन पे, और जो काफ़ी थकान थी, जो मुसीबत थी, वो सभी टल चुकी है, और अभी जो मज़ा आ रहा है
वो लाजवाब है, काफ़ी नेक्स्ट लेवल है। तो मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप यहाँ पे ज़रूर आइए, क्योंकि बहुत ही डेंजर यहाँ का माहौल है, यहाँ की चढ़ान, यहाँ के रास्ते। तो अगर आपको, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जूनागढ़ में जो यहाँ की माउंटेनियर टीम है, जो यहाँ की फॉरेस्ट टीम है, वो हर साल अरेंजमेंट होती है यहाँ पे क्लाइंबिंग के लिए, ट्रेकिंग के लिए। तो आप उस तरीके से यहाँ से आ सकते हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है, आपको ज़रूर आइए इस तरह। तो टाइम अभी हो रहा है थोड़ी देर रेस्ट करने का, और कुछ ये पैकेट से तो नाश्ता हम कर रहे हैं। और ख़ास चीज़ में ये आपको बताना चाहता हूँ कि अभी कभी भी आप फॉरेस्ट में आते हो तो प्लीज़ प्लीज़ आप कूड़ा कचरा कहीं भी मत फेंकिए। अगर कहीं पे भी आपको ये प्लास्टिक के पैकेट अभी आपको दिखते हैं तो उसे कलेक्ट कीजिए, बाहर जाइए और डस्टबिन में ज़रूर फेंकिए। तो मेन बात ये मेरी कहने की है कि कहीं पर भी कूड़ा कचरा हो तो आप उसे कलेक्ट कीजिए और बाहर फेंक दीजिए। तो मैं भी ये करने वाला हूँ, और जब भी मैं ट्रैकिंग में या कोई भी फॉरेस्ट में जाता हूँ, कोई भी प्लेस पे जाता हूँ, तो कहीं पे भी मुझे दिखता है तो कलेक्ट करता हूँ और बाहर फेंकता हूँ। तो अपने घर को जैसे सुंदर और क्लीन रखते हैं, ये अर्थ, ये पृथ्वी भी हमारा एक घर है, तो उसे भी क्लीन रखिए और पर्यावरण, एनवायरमेंट को बहुत ही सुंदर, अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं हम सब। तो अभी यहाँ का सारा नज़ारा, सारा ब्यूटीफुल व्यू हमने देख लिया और बहुत ही एंजॉय किया इस प्लेस पे। तो अभी चलते हैं यहाँ से आगे। यहाँ सामने ही एक ब्रिज है नीचे, आप शायद देख सकते होंगे। तो अभी यहाँ से उतरते हैं नीचे और वहाँ का रास्ता, वहाँ का व्यू, अच्छे अच्छे नज़ारे हम एक्सप्लोर करते हैं। तो चलते हैं अभी यहाँ से आगे। तो अभी सिचुएशन ये है कि हम अभी ये हिल अभी उतर रहे हैं नीचे, काफ़ी घने पेड़ है, लेकिन अगर मैं
मॉनसून में यहाँ आया होता तो नज़ारा काफ़ी नेक्स्ट लेवल होता, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो काफ़ी हरा भरा ये फॉरेस्ट है। और एक बात अच्छी है कि यहाँ पे जो कांटे होते हैं उसके पेड़ यहाँ पे कम है। पहले मैं एक ट्रेकिंग में गया था, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ऐसे कांटे थे, जो कि ऐसे कांटे नहीं ऐसे कांटे होते हैं, जो अगर आपको एक बार चुभ गए तो निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन काफ़ी बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। और भाई अभी धीमे धीमे चलता हुआ आ रहा है। तो अभी फाइनली हम पहुंच गए पर्वत से नीचे, और आपको पीछे दिख रहा होगा ये सामने रोड भी आ गया है। तो अभी चलते हैं उस तरफ और इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं ख़त्म। तो आगे का व्यू मैं आपको बताता हूँ। तो अभी हम थे पीछे, आपको जो वो पर्वत दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे, तो अभी हम पहुँच गए यहाँ पे नीचे। तो इसी के साथ आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको आज का ये व्लॉग, आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो, दिल से आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो ज़रूर लाइक कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिसका नाम है डायरेक्शन माइल्स। तो इसी तरह हमेशा ट्रैवल करते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने अच्छे अच्छे सारे सारे एक्सपीरियंस सबको शेयर करते रहिए। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।